13 मई 2023 आफ्टर विजिटिंग गणपति बप्पाज मंदिर मैंने सोचा कि अब क्या करा जाए, तो मैं गई शनिवार वाड़ा। मुझे पूरा 1 घंटा लगा ये इनसाइड आउट देखने में, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। एवरीथिंग हैज़ बीन बर्न डाउन, सिर्फ उसे स्टोन स्ट्रक्चर बचा है। बट आप स्टोन स्ट्रक्चर में भी एक लिमिट तक ही समझ सकते हो, अगर वहाँ पर ढंग से ना लिखा हुआ हो तो आपको पता ही नहीं लगा कि है क्या। तो माई रिकमेंडेशन विल बी, अगर आप शनिवार वाड़ा जा रहे हैं तो आप 9:30 AM के बाद ही जाएं, क्योंकि पॉसिबली यू विल गेट अ गाइड देयर। ऑल्सो प्लीज़ कैरी कैश, वो लोग जीपे वगैरह कुछ नहीं लेते एंट्रेंस फ़ी के लिए। ये जो स्टेयरकेस है, अपेरेंटली आई हैव एक्रोफोबिया, मुझे स्टेयरकेस में बहुत डर लगता है बिकॉज ऑफ द हाइट ओनली, नथिंग एल्स। मेरे को एस्केलेटर पे भी डर लगता है, तो आई प्रेफर पीपल अराउंड मी लाइक इन फ्रंट एंड कुछ कोई हो तो। और ये वाली जो स्टेयरकेसेस हैं शनिवार वाड़ा में, हर जगह जितनी भी स्टेयरकेसेस है बहुत स्टीप है, एंड मैं पूरा टाइम बस एक ही चीज़ से डर रही थी कि मैं गिर ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं, एंड अपेरेंटली आई एंडेड अप क्रिएटिंग और रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑफ माई सेल्फ ट्राइंग टू टेक गुड पिक्चर्स, बट नहीं हो पाया कुछ। दिस इज़ वट शनिवार वाड़ा इज। मैं सोच रही हूँ कितना ब्यूटिफुल होगा जिस टाइम पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ट था, दिखता था। एंड पूरा शनिवार वाड़ा घूम लिया मैंने, बस एक ही लास्ट स्टेयरकेस बची थी मेरे लिए, जहाँ पे मैं आके अटक गई। वहाँ जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है ना, वहाँ पे जाके मैं दीवार के साथ चिपक गई थी। मैं यहाँ से नहीं हिल सकती बिकॉज ये वाली स्टेयरकेस और ज़्यादा स्टीप थी। एंड मैं बोली कि भाई अब क्या करें, तो एक लेडी आई, शी हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्टेयर्स उतारा। आई हैव मूव्ड टू 2 BHK एंड आई हैड टू डू अनपैकिंग। उस दिन से अभी तक ही अनपैकिंग ही चल रही है। अभी भी पूरा, अब पूरा तो नहीं, एक बॉक्स अभी बच रहा है, बट मैंने उसको खोल के देखा कि उसका हाल क्या है, क्योंकि जो मेरे बॉक्सेस आए हैं मैंने एक्सप्रेस बी के थ्रू डिलीवरी करवाई थी, मेरा राइस कुकर टूटा हुआ निकला है। एंड दोज पीपल हैव री रैप द होल बॉक्स। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस बॉक्स में मतलब। एंड जो मैंने मूवर्स एंड पैकर्स, जो मैंने पैकर्स बुलाए थे, मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था कि जितना इलेक्ट्रिक सामान है उसको प्लीज़ बबल रैप कर दो। कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। एक्सप्रेस बी पे मैंने कंप्लेंट भी रेज करी है, बट कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, बट आई एम रियली पिस्ड ऑफ, तो बी केयरफुल। पैकर्स के साथ आपको साथ में लगना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज़ वो एक बॉक्स में तो बबल रैप बड़े प्यार से करेंगे जैसे उन्होंने मेरे साथ करा, और दूसरे बॉक्स में जब मैंने खोल के देखा तो मेरे डब्बे टूटे पड़े हैं बिकॉज उन्होंने बबल रैप ही नहीं कर रखा है। एंड वन कंडीशन इज़ विद दिस राइस कुकर। मैं जितना खुश थी ना शनिवार वाड़ा और मंदिर के बाद, उतना ही मैं परेशान थी इन बॉक्सेस को देख के। आई एम रियली सैड अबाउट इट।